लीडर क्या करता है? लीडर त्याग करता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो लीडरशिप ही जीवन की उच्चता है, लीडरशिप ही महानता है और राजनीति ही सभ्यता है। बाबा साहब का अंतिम पश्चाताप था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। नौकरी में आने के बाद सब नौकरी चाकरी चमचगी और दलाली में लग गए। ये देखकर 18 मार्च सन 1956 को बाबा साहब आगरा के रामलीला मैदान में रोते हुए बोले कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने कहा कि महान है वो लोग जो अपना समय, अपनी क्षमता, अपना हुनर उनकी गुलामी से मुक्ति के लिए समर्पित कर देते हैं। बाबा साहब ने कहा कि धन्य है वो लोग जो तमाम अवरोधों, तूफानों, अड़चनों, अपमानों का मुकाबला करते हुए, खतरों का मुकाबला करते हुए गुलामों की मुक्ति के लिए तब तक डटे रहते हैं जब तक उनको मानवीय अधिकार हासिल ना हो जाए, उनको धन्य कहा। तो ये लड़ाई हमें लड़ते रहनी है, हमें क्विट नहीं करना है, क्योंकि क्विट करने का अंजाम हम आज तक भुगत रहे हैं। कैसे क्विट करने का अंजाम मैं बता रही हूँ। बाबा साहब ने अपने लोगों के जान माल की रक्षा के लिए पूना पैक्ट जो हुआ उस जीत को छोड़ दिया, सेपरेट सेटलमेंट की जीत को छोड़ दिया, पृथक निर्वाचन का जो उनका जीत था उसको छोड़ दिया और इस देश में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू हो गई। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की वजह से ही पूना पैक्ट जो हुआ, इस संयुक्त निर्वाचन मंडल को बाबा साहब ने पूना पैक्ट के बाद सड़ा गला उपनगर कहा, क्योंकि वो जानते थे कि इस पूना पैक्ट के बाद ही इस देश में चमचा की फौज खड़ी होगी, चमचाओं की फौज खड़ी हो गई। अपने बुनियादी जरूरतों के लिए, अपने समुदाय के हक अधिकार को बचाए रखने के लिए हम सबको राजनीति आना बहुत जरूरी है। साथियों, दुनिया में सबसे महंगी जगह है शमशान घाट। मेरे लिहाज से जहां जीवन भर का ज्ञान और पूंजी से संपन्न, पूंजी के जो मालिक लोग हैं वो लोग रहते हैं, लेकिन इसका कोई महत्व तो है क्या? कितना भी अमीर आदमी शमशान घाट में अगर है तो इसका कोई महत्व तो है क्या? इसका कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि वो अपने ज्ञान को, अपनी पूंजी को किसी को दे नहीं सकता, किसी को बांट नहीं सकता। हम और आप, इस बात को हम सबको आज चेक करने की जरूरत है। कहीं हमारा घर भी तो शमशान घाट में नहीं है, कहीं हमारा घर भी तो शमशान में नहीं है, जहां से हम समाज को कुछ दे नहीं सकते, जहां से हम समाज को बुद्धि, समय, हुनर, पैसा दे नहीं सकते, जहां से हम किसी के काम नहीं आ सकते। ये हमें चेक करने की जरूरत है, क्योंकि आज अगर हम अपने भविष्य, अपने भावी पीढ़ी को डिजाइन नहीं करेंगे तो कोई और आएगा और वो अपने तरीके से हमारे भविष्य को, हमारे भावी पीढ़ी को डिजाइन करने का काम जरूर करेगा। कोई भारत के लोग नजर आते हैं आपको? नजर आते हैं क्या? कहीं कोई भारत के लोग नजर आते हैं? मैं जब देखती हूं तो मेरे दृष्टिकोण में, मेरे चारों तरफ कहीं भी मुझे भारत के लोग नजर नहीं आते। हमें हिंदू धर्म के लोग नजर आते हैं, हमें मुस्लिम धर्म के लोग नजर आते हैं, हमें ईसाई धर्म के लोग नजर आते हैं, हमें शेड्यूल कास्ट के लोग नजर आते हैं, महार नजर आते हैं, हमें ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास के लोग नजर आते हैं, भारत के लोग कहीं नजर नहीं आते। बाबा साहब के सोच में ऐसी भारत नहीं थी, इसलिए उन्होंने लिखा हम भारत के लोग। हमें ये नजर क्यों नहीं आता? क्यों? क्योंकि हमें शिक्षा ही वैसी दी जा रही है। सभ्यता को निर्मित करती है शिक्षा। सभ्य और असभ्य इंसान में अगर कोई फर्क है तो वो शिक्षा का फर्क है, वो शिक्षा का फर्क है। आज अगर सभ्यता बीमार है, आज अगर सभ्यता बीमार है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमें जो शिक्षा दी जा रही है वो भी बीमार है, वो बीमार है, क्योंकि इसी शिक्षा से गुजर कर जो दिख रहा है हमें, ऐसे आदमी पैदा होते हैं।
हजारों वर्ष तक नारी को शिक्षा नहीं मिलने दी। क्यों? क्योंकि शिक्षा व्यक्तित्व को जन्म देती है। नारी को शिक्षा से वंचित रखा, हजारों साल तक रखा, क्योंकि नारी को जब शिक्षा मिलेगा तो विचार पैदा होंगे, नारी के अंदर विचार पैदा होंगे, विचार विद्रोह लाते हैं और विद्रोह व्यक्तित्व लाता है, विद्रोह ही व्यक्तित्व लाता है। अगर हम हर बात में, हर गलत बात में, हर अन्याय में, हर अत्याचार में सरकार के या संस्था के किसी भी जिस शासन प्रशासन में है उसके हाँ में हाँ मिलाएं तो हमारा व्यक्तित्व तो मरा हुआ व्यक्तित्व है। क्या व्यक्तित्व है हमारा? तो विद्रोह ही व्यक्तित्व लाता है। भेड़ बनना हो, बड़ी सरल बात है। इंसान बनना हो, उतना ही कठिन बात है। सारी शिक्षा यही कोशिश कर रही है कि भेड़ बन जाओ, सारी शिक्षा ये कोशिश कर रही है कि भेड़ बन जाओ, इसलिए हम भारत के लोग बन पाए। भारत देश में कहीं भी ये शिक्षा नहीं दी जा रही है। आज पढ़ा लिखा आदमी जिन किताबों को पढ़ लिख कर अपने आप को शिक्षित मानता है, जिन किताबों को पढ़ लिख के शिक्षित बनता है, उन्हीं किताबों को शर्मिंदा करता है। सहमत नहीं होंगे आप मेरे से। कैसे शर्मिंदा करता है? यदि हम हाइड्रोजन और हीलियम के विस्फोट के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हमें सूर्य का गोला दिखाई देता है। हम हाइड्रोजन और हीलियम के विस्फोट के सिद्धांत को पढ़ते हैं तो हमें सूर्य एक आग का धधकता हुआ गोला नजर आता है। लेकिन जैसे ही हम सूर्य को सात घोड़ों के रथ में सवार होने की बात को स्वीकारते हैं, हम उस बात को, उस किताब को शर्मिंदा करते हैं। हम हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु से जल बनने का, पानी बनने की बात को, हम सिद्धांत को हम पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको जल देवता होने की बात को स्वीकारते हैं, हम उस किताब को शर्मिंदा करते हैं जिसको पढ़ के हम शिक्षित बनते हैं। हम चंद्रमा पर मंगलयान भेजने के सिद्धांत को पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही उस चंद्रमा को किसी के जटा में निवास करने की बात को हम स्वीकारते हैं, हम उस किताब को शर्मिंदा करते हैं। तो पढ़ा लिखा आदमी जिस किताब को पढ़ के शिक्षित समझता है, वो उन्हीं किताबों को शर्मिंदा करता है। इसलिए बाबा साहब के सबसे पहले चिंतन में था शिक्षा, सबसे पहला चिंतन था शिक्षा, शिक्षित लोग, शिक्षित कर्मचारी और शिक्षित नेता, जो हम नहीं बन पाए। हम शिक्षित लोग नहीं बन पाए क्योंकि हम आडंबर, ढकोसलों, अंधविश्वास, पाखंडों से बाहर नहीं निकल पाए। हम शिक्षित नहीं बन पाए क्योंकि हम में सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं आ पाई। हम शिक्षित लोग नहीं बन पाए। हम शिक्षित कर्मचारी नहीं बन पाए क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि जब आप नौकरी में आते हो पढ़ लिख कर, तो आप जिन समाज का प्रतिनिधित्व करते हो, जिस समाज से आप आते हो, उस समाज के विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए आप अपना समय दोगे, अपना हुनर दोगे, अपना पैसा दोगे। हम शिक्षित कर्मचारी नहीं बन पाए। बाबा साहब के चिंतन में था शिक्षित नेता, जिसे हम वोट से चुन के सदन में भेजते हैं, तो वो जिस समाज का प्रतिनिधित्व करने सदन में जाता है, उस समाज के हक अधिकार की बात को सदन में लाने का काम करे। आज के नेता नहीं करते हैं। हम शिक्षित नेता नहीं बन पाए। हम बाबा साहब के उस चिंतन पर खरा नहीं उतर पाए। आज भी बाबा साहब ने शिक्षा के बाद कहा, संघर्ष करो। शिक्षा के बाद नहीं कहा कि संगठित हो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। नहीं, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। क्योंकि जब आप शिक्षित होते हो तो गलत के खिलाफ आपके अंदर आग लगती है,
संघर्ष यहीं से पैदा हो जाता है। बाबा साहब जब शिक्षित बने तो उन्होंने अकेले संघर्ष किया, उनके संघर्ष को देखकर लोग उनसे जुड़े, उनके संघर्ष को देख करके लोग संगठित होना शुरू किए। समाज कभी भी संघर्ष के बिना संगठित नहीं होता है। आपको कोई एक थप्पड़ मारेगा तो आप संगठन बनाने जाओगे कि उसको जवाब दोगे? आप उससे संघर्ष करोगे कि पहले संगठन बनाने जाओगे? क्या करोगे? तो बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, अपने लोगों के उत्थान के लिए संघर्ष करो, राष्ट्र के विकास के लिए संघर्ष करो और संगठित रहो, ताकि ये जो संघर्ष जो तुम कर रहे हो ये कभी कमजोर ना होने पाए। ये बाबा साहब का कहना था। एक अकेले बाबा साहब ने शिक्षा के दम पर बाबा साहब ने 5000 सालों के इतिहास को सड़ी गली जो व्यवस्था आ रही थी, जात पात अस्पृश्यता गैर बराबरी, इन सारी चीजों को चीर फाड़ कर रख डाला, आग लगा डाला, जला डाला। अकेले कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है देश के अंदर, 200 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है भारत देश का। विधायक और सांसद आज खरीद फरोख्त से बन रहे हैं, सरकार इससे बन रहा है, विधायक और सांसद की खरीद फरोख्त से, और बिगड़ रहा है। किसी का खून नहीं खोल रहा, किसी को गुस्सा नहीं आ रहा। बाबा साहब जब शिक्षित हुए उनके अंदर गुस्सा आया, सड़ी गली व्यवस्था के प्रति इतना गुस्सा आया, उस गुस्सा के स्तर को समझने की जरूरत है। इतना गुस्सा आया कि भारत का संविधान लिख डाला, इतना गुस्सा आया कि 5000 साल से चली आ रही परंपरा को तहस नहस कर डाला। इसलिए सही दिशा में गुस्सा का आना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अन्याय अत्याचार के खिलाफ सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता पैदा होना भी बहुत जरूरी है। देश की जनता को एक समान शिक्षा, रोजगार, हर हाथ को काम, अच्छा माहौल, ये मुहैया कराने के बजाय 1 रुपया किलो राशन, 1 रुपया किलो चावल, 5 किलो राशन हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपया, ये देकर पंगू बनाया जा रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसके बावजूद हमारा खून नहीं खोल रहा, उसके बावजूद हमारा खून नहीं खोल रहा, गुस्सा नहीं आ रहा। बाबा साहब अपने संविधान में, अपने प्रस्तावना में अगली पंक्ति में लिखा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। कैसा गणराज्य? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। लेकिन आज पूरे भारत देश के अंदर भारत को एक विशेष धर्म के राष्ट्र को राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इस विशेष धर्म पर आधारित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी चिंता यह है, अगर ऐसा हुआ तो क्या हम भारत के लोग बन पाएंगे? क्या हम भारत के लोग बन पाएंगे? क्या हम धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की सुरक्षा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब ने कहा, उससे पहले एक सवाल, बाबा साहब का अंतिम पश्चाताप क्या था? अंतिम पश्चाताप क्या था? बाबा साहब का अंतिम पश्चाताप था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जिन पढ़े लिखे शिक्षित लोग जो नौकरी में आए थे, जो पढ़ लिख के शिक्षित हो पाए थे, उनसे बाबा साहब की उम्मीद थी कि ये बाबा साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नौकरी में आने के बाद सब नौकरी चाकरी चमचगी और दलाली में लग गए। ये देखकर 18 मार्च सन 1956 को बाबा साहब आगरा के रामलीला मैदान में रोते हुए बोले कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बाबा साहब का अंतिम पश्चाताप था। साथियों, महापुरुषों का जो अंतिम पश्चाताप है
वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, मनन करने योग्य होता है। संत रैदास का अंतिम पश्चाताप था बेगमपुरा शहर का ना बसा पाना, ऐसा शहर जहां कोई गम ना हो। बाबा गुरु घासीदास का अंतिम पश्चाताप था जाति विहीन समाज की स्थापना ना कर पाना। ऐसे ही हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों का अंतिम पश्चाताप हमारे मनन करने का विषय है। बाबा साहब ने इसलिए ये कभी नहीं कहा कि धन्य है वो लोग जो एमएलए एमपी बन गए, धन्य है वो लोग जो आईपीएस आईएएस बन गए या मंत्री बन गए, या धन्य है वो लोग जो डॉक्टर इंजीनियर वकील या जज बन गए। बाबा साहब ने कहा कि धन्य है वो लोग जो अपने बंधु अपने समाज बांधवों के बीच जिनके बीच वो पैदा होते हैं उनके कर्तव्यों के प्रति वो जागरूक होते हैं। बाबा साहब ने कहा कि महान है वो लोग जो अपना समय अपनी क्षमता अपना हुनर उनकी गुलामी से मुक्ति के लिए समर्पित कर देते हैं। बाबा साहब ने कहा कि धन्य है वो लोग जो तमाम अवरोधों तूफानों अड़चनों अपमानों का मुकाबला करते हुए खतरों का मुकाबला करते हुए गुलामों की मुक्ति के लिए तब तक डटे रहते हैं जब तक उनको मानवीय अधिकार हासिल ना हो जाए, उनको धन्य कहा। तो इसलिए जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की लड़ाई है, जो प्रतिष्ठा और समता की अवसर की समता की जो लड़ाई है, जो व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने की लड़ाई है, ये हम और आप सबको लड़ना पड़ेगा। समय बहुत कम है, मुझे अल्टीमेटम दिया जा चुका है, इसलिए बहुत फास्ट और तेजी से मैं बात को ले जा रही हूँ। 2 मिनट में मैं खत्म करूंगी। तो ये लड़ाई हमें लड़ते रहनी है, हमें क्विट नहीं करना है, क्योंकि क्विट करने का अंजाम हम आज तक भुगत रहे हैं। कैसे क्विट करने का अंजाम मैं बता रही हूं। बाबा साहब ने जो भी जिद पाला अपने अंदर उस जिद को वो हासिल किए, चाहे वो लंदन में पढ़ने का जिद हो, चाहे वो चौदार तालाब का पानी पीने का जिद हो, चाहे वो मंदिर में जाने का जिद हो, चाहे वो सदन में जाने का जिद हो, चाहे वो हिंदू धर्म को छोड़ने का जिद हो, हर जिद को उन्होंने पूरा किया, केवल एक जिद को छोड़ के। बाबा साहब ने अपने लोगों के जान माल की रक्षा के लिए पूना पैक्ट जो हुआ उस जिद को छोड़ दिया, सेपरेट सेटलमेंट की जीत को छोड़ दिया, पृथक निर्वाचन का जो उनका जीत था उसको छोड़ दिया, और इस देश में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू हो गई। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की वजह से ही पुनः पैक्ट जो हुआ, इस संयुक्त निर्वाचन मंडल को बाबा साहब ने पुनः पैक्ट के बाद सड़ा गला उपनगर कहा, क्योंकि वो जानते थे कि इस पुनः पैक्ट के बाद ही इस देश में चमचा की फौज खड़ी होगी, चमचाओं की फौज खड़ी हो गई। और इसलिए जो बाबा साहब ने क्विट किया उसका दंश हम लोग आज तक झेल रहे हैं। इसलिए ये जो लड़ाई है इसको हम लोगों को क्विट नहीं करना है, धीमी गति से ही सही, जो विचार परिवर्तन की लड़ाई है, जो वैचारिक क्रांति की लड़ाई है, महापुरुषों के आदर्शों की जो लड़ाई है, उसे हमें आगे लेके जाना पड़ेगा। आप किसी भी सरकारी संस्थान में आप चले जाओ, आप वहां पर किसी डॉक्टर इंजीनियर वकील जज का तस्वीर नहीं देखते हो, वहां पर केवल एक ही तस्वीर मिलता है, वो लीडर का मिलता है। क्यों? लीडर क्या करता है? लीडर त्याग करता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो लीडरशिप ही जीवन की उच्चता है, लीडरशिप ही महानता है, और राजनीति ही सभ्यता है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि द पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की, यस इट इज अ मास्टर की बाय विच कैन ओपन ऑल द डोर ऑफ प्रोग्रेस। इसलिए राजनीति करिए मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने बुनियादी जरूरतों के लिए, अपने समुदाय के हक अधिकार को बचाए रखने के लिए हम सबको राजनीति आना बहुत जरूरी है। साथियों, दुनिया में सबसे महंगी जगह है शमशान घाट। मेरे लिहाज से जहां जीवन भर का ज्ञान और पूंजी से संपन्न पूंजी के जो मालिक लोग हैं वो लोग रहते हैं, लेकिन इसका कोई महत्व है क्या? कितना भी अमीर आदमी शमशान घाट में अगर है तो इसका कोई महत्व है क्या? इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो अपने ज्ञान को अपनी पूंजी को किसी को दे नहीं सकता, किसी को बांट नहीं सकता। हम और आप इस बात को हम सबको आज चेक करने की जरूरत है, कहीं हमारा घर भी तो शमशान घाट में नहीं है,
कहीं हमारा घर भी तो शमशान में नहीं है, जहां से हम समाज को कुछ दे नहीं सकते, जहां से हम समाज को बुद्धि, समय, हुनर, पैसा दे नहीं सकते, जहां से हम किसी के काम नहीं आ सकते। ये हमें चेक करने की जरूरत है, क्योंकि आज अगर हम अपने भविष्य, अपने भावी पीढ़ी को डिजाइन नहीं करेंगे तो कोई और आएगा और वो अपने तरीके से हमारे भविष्य को, हमारे भावी पीढ़ी को डिजाइन करने का काम जरूर करेगा। इसलिए हमें और आप सबको बाबा साहब के कारवां को समझने की जरूरत है। बाबा साहब को भगवान बना देने से, पूजा करने से बात खत्म नहीं होती है। बाबा साहब हमारे और आपकी तरह एक इंसान थे, उनको भी दर्द हुआ, उनके पैर में दर्द होता था। संविधान जब लिख रहे थे, एक पैर को ऐसे कपड़े से टांग करके संविधान लिखने का काम किए, बच्चे मरे उसका दुख झेले, इतना दर्द को सहते हुए अगर हम सबके लिए बाबा साहब ने संविधान लिख के दिया, आजादी, स्वतंत्र भारत का निर्माण करके दिया, तो हमें उनको भगवान मान के केवल अपनी जिम्मेदारी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब के कारवां को सफल बनाना है, बाबा साहब के किए हुए बातों को, दिए हुए शिक्षा को अमल करना है, जिंदगी में उतारना है, अपने समाज के काम आने लायक बनना है, इस राष्ट्र की सुरक्षा करने लायक बनना है। साथियों, समय नहीं है, इसलिए मैं इन सब बातों के साथ, आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इन्हीं अपेक्षाओं और बातों के साथ कि आप समाज के, हम सब समाज के काम आएंगे, अपनी बात को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। जय भीम, जय संविधान। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।